ये खौफ का बीज ही तो बोना चाहता है अबू बकर अल बगदादी, इस्लामिक स्टेट और उसके आतंकवादियों की दरिंदगी का खौफ। और उसके निशाने पर है हर वो शख्स, हर वो देश जो उसके हैवानी जिहाद के आड़े आता है। इस वक्त हम बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हैं। हाल ही में यहाँ दो बड़े आतंकवादी हमले हुए जिसमें 31 लोग मारे गए और 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इस्लामिक स्टेट के निशाने पर केवल ब्रसल्स या पेरिस नहीं है, अबू बकर अल बगदादी पूरी दुनिया में अपने खौफ का परचम लहराना चाहता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद के दिल दहला देने वाले सच की कुछ कहानियां। उसके मंसूबे के आगे जिंदगी कोई कीमत नहीं रखती, मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, और मजहब उसके लिए है महज आतंक का एक औजार। इस औजार के साथ ही दहशत की फौज तैयार करता है, नफरत के बीज बोता है और खौफ की कहानियां गढ़ता है। मजहब को हथियार बनाकर 21वीं सदी का खलीफा बनना चाहता है। दानव, बस यही एक लफ्ज वाजिब मिलता है उस खौफनाक चेहरे के लिए जो बर्बादी की बुनियाद पर अपने ख्यालों का साम्राज्य खड़ा करना चाहता हो। इस काम में जो भी आड़े आए उसे नेस्त नाबूद कर देना चाहता हो। इस विध्वंस की कहानी बयां करने के लिए इराक और सीरिया जैसे आबाद मुल्कों की खस्ता हाल तस्वीरें ही काफी हैं। सिर्फ इन्हीं दो मुल्कों में इस हैवान के हाथों 2 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे जा चुके हैं। बगदादी के आतंक में मुस्लिम आबादी की बर्बादी के आंकड़े अनुमानित हैं, मगर ये बताने के लिए काफी है कि खलीफा राज में जो बगदादी के साथ नहीं है वो बगदादी के खिलाफ है, और जो बगदादी के खिलाफ है उसका अंजाम सिर्फ एक मौत, जिसे देखकर दुनिया दहल जाए। बगदादी का मंसूबा इन्हीं खौफनाक तस्वीरों से पूरा होता है। इसे लेकर मजहब चाहे जितना भी बदनाम होता हो, सदियों से सहेजी गई मुस्लिम सभ्यता की निशानियां चाहे जितनी भी बर्बाद होती हों, बगदादी और उसके लड़ाके कतई परवाह नहीं करते। बगदादी ने उस यूरोप को भी नहीं बख्शा जहां सीरिया इराक जैसे दूसरे मध्य पूर्वी देशों से जान बचाकर भागे मुस्लिम समुदाय को शरण मिली। उसके निशाने पर कल फ्रांस था, आज बेल्जियम है, कल पूरा यूरोप होगा। ये बगदादी की धमकी है। इस्लामिक स्टेट के दुश्मन हर देश और उसके सहयोगी ब्रसल्स जैसे हमलों के लिए तैयार रहे, ऐसा तमाम मुल्कों में जल्दी ही काला दिन आएगा। आगे के हमले और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ब्रसल्स का हमला बगदादी की ऐसी ही एक धमकी का हिस्सा है जो उसने पिछले साल नवंबर में हुए फ्रांस हमले के बाद दी थी। इसकी शुरुआत उसने जनवरी 2015 में शार्ले अब्दी के पेरिस दफ्तर पर हमले के साथ कर दी थी। तब एक कार्टून के विरोध के नाम पर खून की होली खेली गई। ये जताने की कोशिश की गई कि अपने लोगों के अपमान का बदला है, मगर मंसूबा था पूरे यूरोप में आतंक की उपस्थिति दर्ज कराने का। ये नवंबर में हुए पेरिस हमले के बाद जाहिर हो गया इस्लामिक स्टेट की जड़ें यूरोप में कितना गहरा जमा चुका है बगदादी। अब तक की जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक ब्रसल्स हमले की साजिश रचने वाला साले अब्देसलाम
नवंबर के पेरिस हमले में भी शामिल था। पेरिस हमले में 130 लोगों के खून से होली खेलने के बाद साले ही इकलौता आतंकी बचा था। 5 आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया था। वही साले 4 महीने तक ब्रसेल्स के एक मोहल्ले मोलेनबीक में छुप कर रहा। ब्रसेल्स के मोलेनबीक मोहल्ले की कुल आबादी करीब 90,000 है, जिनमें से अकेले मुसलमानों की आबादी करीब 40,000। ब्रसेल्स का ये सबसे कुख्यात मोहल्ला माना जाता है। करीब 70% बेरोजगारी वाले इस मोहल्ले से सबसे ज्यादा लोग सीरिया और इराक जाकर IS ज्वाइन करते हैं। यानी बगदादी का यहाँ इतना असर है कि पुलिस वाले भी मोहल्ले में जाने से डरती है। साले समेत ब्रसेल्स हमले के 3 मुख्य आरोपी इसी मोहल्ले से आते हैं। इस मोहल्ले का खौफ देखिए कि हमले से 4 दिन पहले 18 मार्च को जब पेरिस अटैक का आरोपी साले अब्दुस्सलाम मोलेनबीक इलाके में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, तो बेल्जियम सरकार ने पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि अंदेशा था कि साले की गिरफ्तारी की खबर आम होते ही बेल्जियम को निशाना बना सकता है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। 22 मार्च को एयरपोर्ट और मेट्रो जैसे ठिकानों पर हमले हुए, 30 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। बगदादी के लिए ये बदला था। सीरिया और इराक में आतंक के सफाए के लिए अभियान चला रहे अमेरिकी गठबंधन में बेल्जियम दिसंबर 2014 में इस गठबंधन में शामिल हुआ था। निशाने पर ब्रसेल्स शहर इसलिए भी आया क्योंकि 30 मार्च को यहां यूरोपियन यूनियन का शिखर सम्मेलन होने वाला है। ब्रसेल्स में 28 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के पहुंचने के पहले खौफ का जो मंजर खड़ा किया गया, उसका जश्न मनाया बगदादी ने। यूरोप को दहलाने की धमकी के साथ ही ISIS की वेबसाइट पर जो तस्वीरें जारी की गई, उनमें आतंकवादियों को बच्चों के बीच कैंडी बांटते हुए दिखाया गया है। अब सवाल यह है कि बगदादी आखिर कब तक खूनी होली के बाद ये खुशी मनाता रहेगा। इराक और सीरिया छोड़िए, दूसरे मुल्कों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता जा रहा है। आखिर उसे कैसे और कब रोका जाएगा? नाटो फौज, रूस और अमेरिका से लेकर 70 से ज्यादा देशों ने IS के खिलाफ पिछले कई महीनों से घोषित जंग छेड़ रखी है। फिर भी बगदादी कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा? आखिर क्या वजह है कि महज 30 से 40 हजार की बगदादी की फौज को मटियामेट करने में इतना वक्त लग रहा है? अव्वल तो ये भी पता नहीं कि बगदादी का ठिकाना है कहां, आज वो दिखता कैसा है, अगर जिंदा है तो वो रहता कहां है, एक शहर से दूसरे शहर जाता कैसे है? दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की आंख में धूल झोंक रहा है, बोल रहे एक से बढ़कर एक उसके खौफनाक कारनामे। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक इराक की बसरा फैक्ट्री से जो खौफनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल गायब हुआ है, वो IS के आतंकियों ने चुराया है। ये मटेरियल गैस और तेल की पाइपलाइन में बहाव को बनाए रखने के इस्तेमाल में आता है, लेकिन इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की चपेट में आने से इंसान सीधे मौत के मुंह में समा सकता है। अगर इस मटेरियल का इस्तेमाल कर आतंकियों ने डर्टी बम बना लिया, तो इसके धमाके से कैसी तबाही मचेगी, इसकी कल्पना भी दहला देने वाली है। बगदादी के आतंकी खुद को हाईटेक बनाने में भी लगातार जुटे हुए हैं। IS ने जो नया तरीका इजाद किया है, वो बगदादी की नई कहानी लिखने वाला है। आतंकियों ने अब एक ऐसा कार बम डिजाइन करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे बिना किसी ड्राइवर के ही रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। ये बगदादी की बगैर ड्राइवर वाली कार है, जो हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में भी अचूक मिसाइल साबित हो सकती है। इसके साथ बगदादी का आदेश है कबाड़ करार दिए जा चुके मिसाइलों को सुधार कर ऐसा मिसाइल बनाने की, जो आसमान में उड़ रहे पैसेंजर प्लेन्स को सीधे जमीन से ही मार गिरा सके। इसी तकनीक से बने कैन बम के जरिए ISIS पिछले साल एक रशियन एयरलाइंस को धराशायी करने में कामयाब रहा था।
अपने इन हथियारों और जिहाद की बदौलत कैसी दुनिया का ख्वाब देखता है बगदादी, उसकी जीती जागती मिसाल है सीरिया और इराक के तमाम बर्बाद इलाके। सीरिया का एक शहर देर जोर तो अपनी विरासत ही गवा चुका है। इस शहर को मई 2015 में आईएसआईएस ने अपना ठिकाना बनाया था। तब से लेकर आज तक शहर की नाकाबंदी ऐसे की कि ना तो खाने पीने की चीजों की सप्लाई हो रही है, ना दवाओं की और ना ही दूसरी जरूरत की चीजों की। शहर के करीब 1,25,000 लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं। हजारों बच्चे दूध और खाने पीने की दूसरी चीजें ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में समा रहे हैं। तमाम चीजों की कीमत 100 गुना तक बढ़ चुकी है। कोई अपने घर के एयर कंडीशनर के बदले किसी को 2 किलो चावल का सौदा कर रहा है, तो जवान लड़कियां और औरतें अपने कुनबे को बचाए रखने के लिए अपना जिस्म बेच रही हैं। ये शहर अपनी ऑयल इंडस्ट्री और दौलत के लिए कभी सीरिया का 7वां बड़ा शहर हुआ करता था। तो फिर कैसी दुनिया की कल्पना करता है हैवान का ये हमशक्ल? कब्जे और कत्लेआम के साथ लूटपाट में भी माहिर हैं बगदादी के लड़ाके। इराक और सीरिया में तेल के सैकड़ों कुएं हथियाने के बाद पूरे ऑयल बिजनेस पर कब्जा जमा चुका है बगदादी। दुनिया को सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल बेचकर हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है। इसके अलावा व्यापारियों से वसूली और बैंक लूट बगदादी की कमाई का बड़ा जरिया है। मोसुल के सेंट्रल बैंक को लूटकर बगदादी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती का इतिहास अपने नाम से लिख चुका है। उस हमले में बगदादी के लड़ाकों ने 2,500 करोड़ रुपए लूटे थे। लूट के साथ कत्ल और मौत तो जैसे उसके लिए पलक झपकने जैसी घटना है। परहेज न महिलाओं और बुजुर्गों को मौत के घाट उतारने से और ना ही हिचक बच्चों के कत्लेआम से। महिलाओं की आबरू तार तार करने के साथ अपने लड़ाकों के लिए देह की मंडियां तक सजाता है ये हैवान। बस यहीं से शुरू होती है आतंक की दुनिया के सबसे बेरहम शख्स के उदय की कहानी। अबू बकर अल बगदादी केवल बेरहम नहीं था, बेहद शातिर भी था और इससे उसको फायदा मिला। कैसे? दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन गया है अबू बकर अल बगदादी। इतना आतंक तो उसके आकाओं का भी नहीं था। इससे पहले ओसामा बिन लादेन और आयमन अल जवाहिरी को वो अपना आदर्श मानता था, लेकिन दुनिया उनसे भी इतना नहीं डरती थी जितना इस्लामिक स्टेट की बर्बरता से। तो आखिर ऐसा है क्या अबू बकर अल बगदादी और इस्लामिक स्टेट में कि उसका खौफ कैनेडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैलता जा रहा है? दुनिया को अब रासायनिक युद्ध की तरफ ढकेल रहा है बगदादी। ये फ्रांस खुफिया एजेंसियों की सूचना है। फ्रांस हमले के बाद पलटवार से निपटने के लिए अपने लड़ाकों को सबसे खतरनाक युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इस पर यकीन करने की वजह खुद बगदादी की हैवानियत है। 5-6 साल की हिंसा और इसके साथ बनी बगदादी की क्रूर पहचान। इस फितरत को देखें तो 21वीं सदी का खलीफा बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है बगदादी। ये क्रूरता बगदादी को विरासत में मिली है। निजी तौर पर बगदादी बेहद शांत और चुपचाप रहने वाला एक नमाजी हुआ करता था, मगर अपने आका के आखिरी पैगाम के बाद पूरा मंसूबा बदल लिया। वो जून 2006 का एक हमला था। इराक में अमेरिकी फौज के उस हवाई हमले में छापेमार युद्ध का जनकर अल जरकावी मारा गया था। तब तक इराक पर नियंत्रण कर चुकी अमेरिकी फौज के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि यही वो शख्स था जब सद्दाम हुसैन और पूरी हुकूमत के पतन के बाद भी अमेरिकी फौज के छक्के छुड़ाए हुए था।
तब 25 साल का बगदादी अल ज़रकावी का कट्टर समर्थक हुआ करता था। आतंक की दुनिया में तब तक बगदादी कदम रख चुका था, मगर तब उसे शायद कोई नहीं जानता था। ज़रकावी तो कतई नहीं, बगदादी विद्रोह का मौन समर्थक था। हालांकि उसने 2003 में जमात जायस अल सुन्ना जैसे उग्रवादी ग्रुप के गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन लड़ाका तो उसे कोई कतई नहीं समझता था। अमेरिकी फौज ने भी दुबले पतले और बहुत कम बोलने वाले बगदादी को देखकर यही समझा था, ये तो एक आम विद्रोही है जो भड़कावे में आ गया है। बगदादी फरवरी 2004 में अमेरिकी फौज के गिरफ्त में आया था। उसके बाद 10 महीने तक दक्षिणी इराक में कैंप बक्का के अमेरिकी कैदखाने में रखा गया। तब अमेरिकी फौज को उस खामोश विद्रोही से कोई खतरा नहीं दिखा और दिसंबर 2003 में उसे रिहा करने की सिफारिश कर दी। इसी महीने सद्दाम हुसैन को भी महीनों की तलाश के बाद एक बंकर से गिरफ्तार किया गया था। तब किसको लगता था हुसैन के अंत के बाद गुमसुम सा रहने वाला विद्रोही आतंक की नई फसल तैयार करेगा। ۲۰۰۶ में अल ज़रकावी की मौत तक जिस मुजाहिदीन शूरा काउंसिल के लिए काम करता था अल बगदादी, किसी भी आतंकी ऑपरेशन में शायद ही कभी शामिल हुआ होगा। ज़रकावी की मौत के 4 महीने बाद जब मुजाहिदीन शूरा काउंसिल का नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक किया गया, तब भी बगदादी को इसके शरिया कमेटी का सलाहकार बनाया गया। ये ओहदा बगदादी को उसके मंसूबों की वजह से नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई की वजह से दी गई थी। बगदादी ने इस्लामिक स्टडी में डॉक्टरेट तक की पढ़ाई की है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद से। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मस्जिदों में नमाज पढ़ाने लगा। ये वो दौर था जब इराक पर 1989-90 के हमले के बाद पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा था, मगर बगदादी इसमें कहीं नहीं था। सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद जब अलकायदा और इसके सरगना ओसामा बिन लादेन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तब 20 साल के बगदादी के अंदर विद्रोह की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी थी। मगर उसके 5 साल बाद उस गुमनाम बगदादी ने पूरे इराक में आतंक का जाल बिछाया। उसे देख आतंक के बड़े आका भी दंग रह गए। 2006 में ज़रकावी की मौत के बाद जब उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का सलाहकार बनाया गया, तब बगदादी ने ही इराक के अलग अलग जिहादी गुटों को एकजुट करने का खाका बनाया। धर्म गुरु का चोला ओढ़े बगदादी सभाएं करता और जिहाद के नाम पर नौजवानों को भड़काता। बगदादी की तहरीर में गजब का आकर्षण था। उसकी बदौलत बगदादी अगले 4 साल में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का अगुआ बन गया। अब तक तो अपने शैतानी मंसूबों को पूरा करने में कामयाब रहा है अबू बकर अल बगदादी, लेकिन इसके पीछे साजिश क्या रही है, नतीजे इतने खौफनाक क्यों हैं? इस पूरे रहस्य से पर्दाफाश करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रसल्स से हमारी यह खास पेशकश जारी है, आप देखते रहिए आज तक।